दिल्ली ने कोलकाता को सीजन का सबसे बड़ा 229 रनों का टारगेट दिया। अय्यर ने 38 बॉल पर 88 रन बनाए। पृथ्वी शो का बल्ला भी चल पड़ा। दोस्तों आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का 16वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को सीजन का सबसे बड़ा 229 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 88, पृथ्वी शॉ ने 66 और ऋषभ पंत ने 38 रनों की पारी खेली। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने 2 विकेट लिए जबकि वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नागरकोटी को 1-1 विकेट मिला। शानदार शुरुआत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन 26 रन बनाकर केकेआर के बॉलर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने केकेआर के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की 14वीं 50 आतिशी अंदाज में मात्र 26 गेंदों में पूरी कर ली। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शानदार पारी खेली। शॉ ने केकेआर के खिलाफ इस मैच में 41 बॉल में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से तूफान 66 रन बनाए। आईपीएल में पृथ्वी ने 6वीं और श्रेयस ने 14वीं 50 लगाई। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की भी पार्टनरशिप इसमें हुई है। कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।